Hi guys, this is Krishna Kant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. So guys, कैसे हो आप लोग? तो guys, आज हम लोग लेके आए एक ट्रेलर और ये इंडियन मूवी का ट्रेलर है बॉलीवुड का. हिस्ट्री से रिलेटेड है. द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. डॉक्टर मनमोहन सिंह. वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे. हाँ, अब इसकी मूवी तो देखते हैं. और ये मूवी काफी ज्यादा, मतलब ये समझ लो कि मुझे लगता है कि हर एक को देखना चाहिए. बिल्कुल, है ना, क्योंकि बहुत कुछ इससे पता चलेगा. और 2019 का इलेक्शन भी आ रहा है तो शायद से वोट डालने में भी इजी होगा, जो कंफ्यूज है कि किधर वोट डालना है. तो ये मूवी देख लेना चाहिए उन सबको. और हम लोग भी ट्राई करेंगे कि इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आए और रिव्यू करें कि मूवी कैसी है. तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर. हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट. प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट. मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है. मनमोहन सिंह पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए. महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है. सोनिया गांधी जी ने जो वैसी लग रही है, उस पर आपकी राय क्या है? एग्जैक्ट ना, बिल्कुल. सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर. अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता. प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है. आई मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ. बिल्कुल वैसी आवाज में बोल रहे हैं ना. मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ. पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं. लेकिन डीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू. प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएसई तय करेगी. इनकी समझ में आएगा. पीएमओ मींस बिजनेस. ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस. देश के लिए, देश के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए. मैंने पूरा वॉक भी उनके जैसे कर रहा है. ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी. सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है. मैं देश को बेचूंगा. मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूँ. अगर आप पाकिस्तान के साथ शांति का समझौता करेंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी. अब लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी. चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा. सर यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का. ये जीत आपकी जीत है, ये पीएमओ आपका टर्फ है. और कितना बदनाम करेगी पार्टी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है. क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है. रिजाइन करना चाहता हूँ. एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? जनवरी 11. बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मेरे को तो बड़ा मजा आएगा देख. किस्सा नहीं है, रियलिटी है. हाँ वही, बिल्कुल. क्योंकि मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बिल्कुल रियल दिख रहे हैं. काफ़ी रियल दिख रहे हैं. और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर को चूज़ किया है. बहुत सारे मूवीज़ में अगर किसी बड़े कैरेक्टर को दिखाते हैं तो उसको सही से दिखाते नहीं है. थोड़ा सा दिखाते हैं. इसमें अच्छे से दिखाया है रोल पूरा. मतलब लोग समझेंगे कि 2004 से हमारे देश में क्या हुआ है. बिल्कुल. किस किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे केस में मनमोहन सिंह को भी गलत बोला जाता है. ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कुछ बोलते नहीं थे, एक लाइन ड्रॉ कर दो उसी पर चलते थे, है ना. बहुत को ऐसा बोला था. लेकिन उनके पीछे उसकी क्या मजबूरी थी, क्या उनकी पार्टी उनको कितना सपोर्ट करती थी, क्या नहीं करती थी, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई देगा. और राहुल गांधी को क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया गया उस टाइम पे, और उसके बाद जब बनाने का टाइम आया तो क्या कुछ नहीं बना सकते थे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे घोटाला सामने आ चुके थे, स्कैम वगैरह. और ये दूसरी बात, कश्मीर के इश्यूज की भी बात. कश्मीर के इश्यूज तो ठीक है, लेकिन उस टाइम में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह बहुत होते थे. लेकिन जब से ये 2014 के बाद से तो अभी तक एक बार भी कोई भी मतलब ऐसे टेररिस्ट अटैक वगैरह ऐसे सुनने में नहीं आया है. ऐसे हो रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन वो जहाँ पे वो डेंजरस एरियाज है वहाँ पे ही आया है.
लेकिन जैसे बॉम्बे में कहीं बम फट गया, दिल्ली में कहीं ऐसे ऐसे जगह पे अभी तक सुनने में नहीं आया, लेकिन उस टाइम पे बहुत होते थे सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर मिलेगी देखने के लिए। और हिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट है उसको ज़रूर जाना चाहिए देखने। हिस्ट्री वैसे बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री है। मुझे तो पुरानी हिस्ट्री और नई हिस्ट्री दोनों हिस्ट्री, लेकिन मुझे एक बात ये है कि इसमें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें कांग्रेस के थोड़ा सा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी में हाँ जैसा होगा वैसा होगा, ठीक है, क्योंकि मूवी बनाने वाले हैं ये किसी के अंडर नहीं आते ये लोग, तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, जो रियलिटी होगा वही बताएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन वगैरह ये लोग ने कैसे निकाली है, कहाँ से निकाली है, किसने इनको ये सारा बताया, गाइड किया है, ऐसे बहुत लोग होंगे बताने वाले। और ये हम दोनों के लिए इंटरेस्टिंग मूवी इसीलिए है क्योंकि ये बायोग्राफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो शायद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अभी तक जो सोच रहे अभी तक जो मनमोहन सिंह को गलत सोच रहे थे, हो सकता है इस मूवी के बाद से वो उनको गलत ना, बिल्कुल, जैसे कि संजू जो गलत है उसी को ही गलत समझे, क्योंकि ऐसी पार्टीज भी होती हैं जो कि पीछे गलत काम कर रही होती है, सामने फ्रंट में किसी और फेस को बना, बिल्कुल, ताकि लोग उसी को ही ब्लेम करें, उसके पीछे बैठने वालों को ना ब्लेम करें। तो ये मूवी जरूर देखना वोट डालने जाने से पहले, है ना, और बस ये है कि जिस पार्टी को इसमें नेगेटिव दिखाया होगा वो पार्टी ने इसको रिलीज कैसे होने दे रही है, मेरे को वही समझ वही मैं भी सोच रही हूँ अभी तक क्यों दंगे नहीं हुए और अभी तक क्यों मतलब इतना शांति है, उनको पता है कि अगर हम करते हैं कुछ तो हमारी ही इमेज गिरेगी इसके अंदर। तो ये मूवी जरूर हम लोग देखने जाएंगे, इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देख के रिव्यू करने का ट्राई करेंगे हम लोग, और चैनल आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इतना ही, चलते हैं हम लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, तो फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलते गाइस।